आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेलर रिलीज को लेकर काफी गहमा गहमी है। आपको बता दें कि मुंबई में ट्यूबलाइट का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें डायरेक्टर कबीर खान, सोहेल खान और खुद सलमान खान पहुंचे हैं और फिल्म को लेकर मीडिया से काफी बातचीत की। इवेंट के दौरान सलमान खान ने हाल ही में दुनिया छोड़ चुकी अभिनेत्री रीमा लागू, विनोद खन्ना के बारे में भी बात की है। सलमान ने कहा, तो मुझे पूछना था कि रीमा लागू जी भी आपकी स्क्रीन मदर हैं। जी, 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 उनके लिए आपके। So I've just lost, we just lost VK sir as well, right. Which is he was very close to us and amazing person. I mean he was our hero. And then अभी मैं लीवा में शूट कर रहा था तो सुबह को पता चला कि रीमा जी भी नहीं रहीं। तो it's really sad that I've lost, three very close people almost. In the last कुछ 3-4 महीने में। और मुझे ये एक सवाल पूछना था कि आपका जो भोलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है। वो ढोंग है। तो अभी ये ट्यूबलाइट में भी आप भोले भाले नजर आ रहे हो, बजरंगी भाईजान में भी थे, तो क्या ये आपका आगे, ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, अब सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बन जाऊं। आपको याद दिला दे कि रीमा लागू ने हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में सलमान की मां का किरदार निभाया था। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के टीजर को YouTube और सोशल मीडिया पर खूब देखा गया। टीजर में सलमान खान एक डब्बू किस्म के लड़के के किरदार में नजर आए, जो बेहद सीधा और मासूम है। टीजर देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म में इमोशन की भरमार होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी 1962 में हुई भारत चीन की लड़ाई के इर्द गिर्द है। ट्यूबलाइट में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, सोहेल खान और चाइनीज एक्ट्रेस जूजू लीड रोल में है। फिल्म के प्रोड्यूसर सलमा खान और सलमान खान है। इस फिल्म को बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। सलमान खान ने इस फिल्म की शूटिंग कुछ समय पहले ही पूरी की है। कबीर खान और सलमान खान की साथ में ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले ये दोनों साथ में एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि फिल्म ट्यूबलाइट ईद के मौके पर सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।